हाँ जी, स्क्रीन सबको विजिबल है? ओके, मैम। सो वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक वन बाय वन। सारे चैप्टर हम 40 डेज के अंदर कवर कर लेंगे। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इंट्रोडक्शन मतलब हमारे चैप्टर का क्या है, इसमें हम क्या करते हैं। आप ऑलरेडी जानते हो तो आप बताओ, आपको जो भी कुछ पता है बताइए। दीपाली, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ जी बेटा फरहत, मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ बेटा? फरहत, नो मैम, फरहत। ओके फाइन, फरहत। आप बताओ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? आप अभी पेपर देके आए हो। मैम पहले आप बताइए, फिर बता देंगे हम। मैं बताऊंगी फिर तो आप क्या, मैं मेरी बात को रिपीट कर दोगे फिर तो आप? चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम मेजर जो चैप्टर है हमारे, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब ये हमारा पूरा एक कोर्स है जिसके अंदर एक पार्ट आता है आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? और एक आपके पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है? डायनेमिक्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। नाम से आपको समझ आ रहा है, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जो लॉज पढ़ेंगे, वो क्या रहेंगे? जैसे इसके अंदर हम मेजरली पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, क्लियर है? अभी कोई पूछे तो बता दो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। हाँ जी बेटा फारहत, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस और नो तो बोलो भाई। यस ओके, मैम। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हम पढ़ेंगे मेजरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हो। यहाँ पर भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप 11 12 में काफी जगह देखते हैं, ठीक है? तो और चार्ज हमारे पास क्या है, रेस्ट पे होता है। क्लियर है सबको? और आपने कुछ जनरल एग्जाम्पल्स जो पढ़े हैं इसके, कॉम्ब वाला पढ़ा है कि अगर हम हमारे ड्राई हेयर होते हैं और हम उसमें कॉम्ब करते हैं, फिर टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के पास अगर हम उस कॉम्ब को लेके जाते हैं तो वो पीसेस अट्रैक्ट होते हैं, राइट? ये पढ़ा है ना आपने, इसका थ्योरी जो जनरल थ्योरी है। और जो हमारा ग्लास रोड है, अगर हम उसको क्लोथ से रब करते हैं तो वो भी चार्ज होता है। तो ये चार्ज क्या होता है और कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है? चार्ज रेस्ट पे क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। अभी सबको क्लियर है हम लोग क्या करने वाले हैं आज, बताइए? यस मैम। ओके फाइन, सो सबसे पहले आते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही। क्या होता है चार्ज? चार्ज तो बताओ, 10th में भी पढ़ा आपने, चार्ज क्या है? जैसे हमारे पास मास होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वैसे ही हमारे पास चार्ज होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हैंडराइटिंग आपको समझ आ रही है मेरी? हैंडराइटिंग समझ आ रही है बेटा? यस मैम। खाना खा के आए हो या नहीं? ब्रेकफास्ट कर लिया सबने? यस नो मैम। नहीं किया? मैंने भी नहीं किया, मैंने बस चाय लिया है। आप ये क्लास मैम के बाद करोगे? रोजे हैं मैम, क्या कह रहे हो? रमजान चल रहे हैं मैम, रोजा रखा है अच्छा, फाइन, ठीक है। तो कितने दिन का चलता है ये? मैम। 30 डेज। 30 डेज। तो 30 डेज खाना नहीं खाना? नो मैम, हम शाम में खाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। सो हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे थे, ये एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है? और आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट बता सकते हैं आप लोग? कूलम कूलम फुल। इज इट्स यूनिट। क्यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार आपको स्मॉल क्यू दिखेगा। दो तरह के चार्जेस हैं आपके, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो पता ही होगा। जो यस मैम। चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है,
ठीक है, लेकिन मास डिपेंड करता है, मास जो है डिपेंड्स अपॉन स्पीड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये आपने आई थिंक एक रिलेशनशिप पढ़ा होगा, एम इक्वल्स टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस v² बाय c² पढ़ा है, यस मैम, ठीक है। मास आपके पास स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, पर चार्ज डिपेंड नहीं करता, ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो आपके पास ई है, इसका वैल्यू बता सकता है कोई? 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है या 1 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होगा? 1.6 × 10¹⁻ cool. माइनस नाइनटीन कूलम। ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज है, इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोल देते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल होता है, यहां तक सबको क्लियर है? यस फिर मैम, हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बताइए क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट? ट्रू, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ट्रांसफर हो सकता है, यस मैम, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यही आपके पास क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें आप कोई भी चार्ज ले लो, आइसोलेटेड सिस्टम है, प्लस क्यू हो गया आपके पास, +2Q हो गया या -3Q हो गया, आइसोलेटेड मतलब इसमें अभी कुछ नहीं जा सकता। और अगर हम इसको शेक करते हैं, मान लीजिए इसमें कुछ भी चार्जेस बनते हैं, -Q बन गया या आपके पास +4Q बन गया, तो जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहेगा, क्लियर है सबको? कांस्टेंट रहेगा, समझ में आ गई? टोटल यस मैम, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये बहुत जनरल जनरल चीजें हैं, और अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें होती है बेटा, आपके बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए, है क्लियर है? आगे चलें अभी। यस मैम, गुड मॉर्निंग यस मैम, कुणाल, हाँ जी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा बिल्कुल, बाकी लाइव लेने की कोशिश करो, कोई डाउट है यही पूछो। हाँ जी, पहले ये बताइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि वैसे इसका प्रूफ दिया गया है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ प्रूव्ड है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके हमको पता चला है। ठीक है, अब जो ये तो था जनरल, ये आपको ऑलरेडी आप 10th में भी पढ़ चुके हो और 11th में भी स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा। और अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा जिसपे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बताइए क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वर्ड क्वांटाइजेशन? गुड मॉर्निंग सिमरन बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? एनीबडी? डिस्क्रीट क्वांटिटी होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। एनीबडी गुड, हम चार्ज को एल्स? डेसिमल प्लेस में नहीं ले सकते, किसमें नहीं ले सकते? डेसिमल प्लेस में ओके गुड, तो क्वांटाइजेशन का सिंपल अगर हम मतलब देखें तो वो है कि विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, राइट? आपने जो बताया वो भी सही है, विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। लेट्स से आपके पास एक पैकेट है पेन का, ठीक है, तो आप एक दे सकते हो, दो दे सकते हो, तीन दे सकते हो, तीन वापस ले सकते हो, दो वापस ले सकते हो, तो आप यूनिट्स में ले सकते हैं ना उसको, ऐसे तो नहीं है कि आधा पेन ले सकते हो, डेढ़ पेन ले सकते हो, ढाई पेन ले सकते हो, तो विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, क्लियर है सबको? यस मैम, ठीक है, अब वो फिक्स्ड अमाउंट कितना है, चार्ज का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट जो वैल्यू पॉसिबल है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये पॉसिबल, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू +-ne, ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसका इंटीग्रल मल्टीपल। आपके पास चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे पे जा सकता है, दूसरी बॉडी से एक बॉडी पे आ सकता है, इसलिए हम लोगों ने प्लस माइनस लगाया है। एन आपके पास इंटीजर होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, निकालिए सभी बच्चे।
कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻¹⁸ कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। 1 मिनट है आपके पास, सॉल्व कीजिए।48 × 10⁻¹ क्या कह रहे हो बेटा? आपको बताना है, कह रहे चार्ज ऑफ 8 × 10⁻¹⁸ बी गिवन टू अ बॉडी, यस और नो? और जो आपने निकाला है आंसर, क्या बताया आपने, दोबारा बताओगे या कमेंट में लिख दीजिए? मैम, मैंने Q इज इक्वल टू एनी लगा के फॉर्मूला वो निकाल दिया था उसके जो एन कितना आया आपका बेटा? 48 × 10⁻²। नहीं, गलत आया। 48 × 10⁻², नहीं। देखो, Q इज इक्वल टू एनी आप लगा रहे हो, तो इन्होंने पूछा है क्या ये बॉडी को दिया जा सकता है या नहीं, यानी ये टोटल चार्ज बॉडी पे 8 × 10⁻¹⁸ है। एन ई कितना है आपको पता है ऑलरेडी, कितना होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹। अब बताओ मुझे एन कितना आएगा, बताइए। अगर ये टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है 1.6 × 10⁻¹⁹ का, यस देन इट कैन बी गिवन टू अ बॉडी। अगर एन की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ रही है तो इट कैन नॉट बी गिवन टू अ बॉडी। ऐसे नहीं कुछ भी आप चार्ज दे सकते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि 8 × 10⁻¹⁸ दिया जा सकता है या नहीं, तो उस चार्ज को देख लो क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल है या नहीं 1.6 × 10⁻¹⁹ का। तो एन की वैल्यू बताइए कितनी आई है, कमेंट कीजिए कितनी आई है सभी बच्चे। हाँ जी दीपाली, तो बहुत इजी है, फटाफट सॉल्व करो। देखो साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करा करो, 1 मिनट 2 मिनट में जरूर दूंगी आप लोगों को, इससे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है? और आंसर आपको पता लगेगा ही, मैं भी बताऊंगी आंसर, फिर आप मैच कर सकते हो बाद में आफ्टर क्लास की, मेरी यहाँ पर कैसे गड़बड़ हो गई, 1 मिनट में मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था बट नहीं हुआ, ठीक है? तो निकालो जरा एक बार ये क्वेश्चन, एन की वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ जी कौन कौन है क्लास में, लेट मी सी। कुणाल, सिमरन 0.2, नो रॉन्ग, दोबारा निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब अगर इतनी देर में आप नहीं निकाल पा रहे, एक ही कमी है कि आप प्रैक्टिस कम कर रही हो, ठीक है? कितना सिंपल फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू एनी, इससे आसान क्या हो सकता है? क्यू का वैल्यू गिवन है 8 × 10⁻¹⁸, ई का वैल्यू गिवन है, एन निकालना है। अगर एन का आंसर आप इतने टाइम में नहीं बता रहे तो आपका एक ही प्रॉब्लम है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। सो आपके क्वेश्चंस जो आप लगा रहे हो उसको इंक्रीज करो, ठीक है? 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 50 में से 40 आपको करने हैं। टाइम लिमिट पता है ना आपको कितनी है? 50, यस वेरी गुड, 50 इज द राइट आंसर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने आंसर बताया कितना आया 50, कि वो इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब 8 × 10⁻¹⁸ कूलम उस बॉडी को दिया जा सकता है। क्लियर है सबको? सो आंसर विल बी यस। ठीक क्लियर है, अभी क्वेश्चन नहीं गलत करोगे, आगे चले? ओके, यस तो अभी मैम। आगे। एक्सक्यूज हाँ जी बेटा, मी मैम, आपकी आवाज बहुत ज्यादा फेबल है, बहुत स्लो आ रही है। नो बाकी सबको भी इश्यू आ रहा है बेटा? मैम, नो मैम, आप एक बार बेटा नो वो मैम। नेटवर्क का इशू, या फिर आप ईयरफोन यूज कर लो। मैम वो दोबारा रीजॉइन रीजॉइन करने करने से से फिर ठीक हो आती है, जाएगा, क्या करने से ठीक आती है? रीजॉइन रीजॉइन करने से ठीक हो जाती है करने। बोले। हाँ जी बेटा, एक बार आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, यहाँ से मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई ठीक चल रहा है, ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग कूलम्स लॉ पे, बताइए क्या होता है कूलम्स लॉ, क्या आपको इसकी जानकारी है? व्हाट इज कूलम्स लॉ? हाँ जी बच्चों मैम बताओ भाई। जो
दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है, वो उनके चार्ज की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड बाय द डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब डिस्टेंस के. तो सबसे पहली बात बिल्कुल सही बताया आपने, हम देखते क्या है कूलम्स लॉ में, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस. जब आपके चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में क्या फोर्सेस हैं, फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो वो हम कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं. तो इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, लेट्स से Q1 आपका एक चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक है. तो अगर मैं देखूं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड किधर होगा, लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव ले लिया मैंने दोनों को, ठीक है. और फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट किधर होगा, लेफ्ट और राइट, बताइए. राइट इधर, ठीक है. तो अगर हम देख रहे हैं तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है भाई ये बात ठीक है कि नहीं. डिस्टेंस बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स कितना है, मान लीजिए आर है. तो जो फोर्स, ये फोर्स 1 2 और ये 2 1 इक्वल इन मैग्नीट्यूड लग रहा है एक दूसरे पे जो लगा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेकेंड वन इज इक्वल टू F, ठीक है. मान लेते हैं कि वो F है. तो ये जो फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. एक और कोई फोर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है, कोई भी ऐसा फोर्स जो इनवर्स ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, यस राइट. दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. साइन की अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, साइन साइन की बात नहीं करना. साइन का जो प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. साइन, आप जब एनर्जी की बात करो ना, वहां चार्जेस के साइन को कंसिडर कर सकते हो आप. अदरवाइज आप देख सकते हो कि प्लस है या माइनस है, किधर लग रहा है, डायरेक्शन आप जो वेक्टर फॉर्म में है वो पता लग जाएगा आपको फोर्स में. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वहां आपको साइन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साइन की टेंशन लेना एनर्जी में, ठीक है. तो यहाँ पर Q1 Q2 का प्रोडक्ट, और मैं ले रही हूँ विदाउट साइन, मतलब मैं इनकी मैग्नीट्यूड ही ले रही हूँ. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है K. K को क्या बोलते हैं, क्या है K? कॉन्स्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम. के की वैल्यू आपको पता है, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन अगर कोई मीडियम है, और अगर वैक्यूम है तो के की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका वैल्यू बता दो बेटा कितना होता है के का, के का वैल्यू बताइए. 9 × 10⁻¹. यूनिट बताइए, ठीक लिखी है मैंने. यस मैम. तो ये आपके पास है वैक्यूम का केस है, जब आपके पास वैक्यूम की बात कर रहे हो तो 9 × 10⁻¹. अब ये E, E0, ER, परमिटिव वाला टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो कूलम लॉ आपके पास क्या निकल के आया है, दो पॉइंट चार्ज. हाँ ये बात याद रखिए कि जो ये लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है. तो यहां पर लॉ क्या निकला कि जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि वो चार्जेस जिस मीडियम में रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो फोर्स. ये क्या बता रहा है आपको कि किस मीडियम में चार्ज रखा है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है. अब इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. कूलम्स लॉ सबको क्लियर है, यस मैम. यस मैम. यस मैम. लिमिटेशंस बता दो चलो कूलम्स लॉ की. कूलम्स लॉ की कोई भी एक या दो लिमिटेशंस बताइए जो भी आपको पता है. एक मैम तो बस मैंने, यही है कि पॉइंट चार्जेस के लिए होता है. यस, ये कॉन्टिन्यूस चार्जेस के लिए नहीं होता, ये इसका लिमिटेशन हो गया. इसके अलावा बेटा कोई एनी अदर लिमिटेशन जो आपको पता हो, हमेशा याद रखिए दोनों चार्जेस रेस्ट पे हो
या एक चार्ज रेस्ट पे एक मोशन पे हो उनमें कूलम्स लॉ वैलिड है, लेकिन आपके पास अगर बोथ चार्जेस मोशन में है, बोथ चार्जेस अगर मोशन में है तो वहां पर आपके पास कूलम लॉ फेल हो जाता है। क्लियर? हो सकता है आपको स्टेटमेंट दे दे, उसका रीजन दे दे और आपको पूछे स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, या इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो चार्जेस रेस्ट पे हैं, एक रेस्ट पे एक मोशन में, वहां कूलम्स लॉ वैलिड है, लेकिन दोनों अगर मोशन में है तो वहां कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। कूलम लॉ का हर एक डिटेल मैंने अभी स्लाइड पे आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, वेक्टर फॉर्म बता सकता है कोई इसकी? वेक्टर फॉर्म में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमेशा याद रखो, लेट से एक चार्ज ले लिया मैंने Q1, आपको पूछ सकते हैं, चार ऑप्शन दे देंगे, बताओ इनमें से कौन सा वेक्टर फॉर्म करेक्ट है। तो ये मान लो एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस आप ले लो R, मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो है R, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है बेटा, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स देख रही हूँ, ये वाला जो चार्ज है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ठीक है, अगर मैं देख रही हूं, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो ये आएगा आपके पास Q1 Q2 बाय में, नीचे आपके पास आएगा आर स्क्वायर, यही है ना, और एक कांस्टेंट आ जाएगा K, क्योंकि इस मीडियम में रखा है। अब अगर वेक्टर की बात करें तो हमें डायरेक्शन चाहिए, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड आपको पता है इस तरफ लग रहा है, यानी आप यहां से यहां देख रहे हो डायरेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड में देख रहे हैं। और अगर हम ऐसे देख रहे हैं कि भाई आपके पास यूनिट वेक्टर क्या है, तो कितना होगा यूनिट वेक्टर, बताइए बेटा कितना होगा इसमें? आपको वेक्टर वेक्टर पढ़ा ना आपने, ए वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बता देता है, सिंपल सी बात है, यस मैम। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा यूनिट वेक्टर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए वेक्टर यानी कि R1 माइनस में R2, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको वेक्टर फॉर्म में, डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, कुछ गलत है क्या इसमें? ये इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे एक वेक्टर ही आएगा ना, तो ये वेक्टर हो गया, डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब आप ये देखिए कि R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, या R2 माइनस में R1 का मैग्नीट्यूड होगा, वो R के ही तो इक्वल होगा जो मैंने लिया है यहाँ, ये चीज क्लियर है सबको? तो यस इसको मैं मैम। ऐसे भी लिख यस सकती मैम। हूँ कि Q1 Q2 बाय में R2, और ये हो जाएगा आपके पास R1 माइनस में R2 डिवाइडेड बाय में R2, हटा देते हैं अब R2 की जगह, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना, तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, R1 माइनस में R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब। क्लियर है सबको? लिख सकते हैं ना, इस R2 को मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और एक ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एक क्यूब आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज के बाद कभी वेक्टर फॉर्म में गड़बड़ नहीं करना। याद करने का सिंपल तरीका क्या है, वन वन पे आप टू की वजह से देख रहे हो, तो 1 माइनस 2 वेक्टर ऊपर आएगा, R1 माइनस R2 का नीचे आएगा। तो अब F21 बता दो इसको देख के कैसे लिखोगे, K Q1 R2 माइनस में R1 बाय में R2 माइनस में R1। वेक्टर साइन लगा दो इसमें का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, हाँ जी सिमरन दोबारा बता देती हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। के Q1 Q2 बाय R2, ये हम जनरल लिखते हैं मैग्नीट्यूड की, अगर हम बात करें कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स है। जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर। तो यानी कि यहाँ पर अगर डायरेक्शन की बात करें, फर्स्ट पे जो सेकंड की वजह से लग रहा है वो इधर लग रहा है, इधर इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लेट से R2 है और इधर इसका क्या है, R1 है। तो इसका जो डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं ना, यहां से आप इधर देख रहे यस हो, तो मैम। R1 माइनस में R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन लिखना है, सिंपली अगर डायरेक्शन लिखना है इसका आर वन माइनस में आर टू का कैप, मतलब इसका अगर हम सॉरी डायरेक्शन अगर देख रहे हैं तो वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड, यही तो डायरेक्शन होगा। इसको भी इनका सब्ट्रैक्ट करोगे डिवाइडेड बाय में इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन था उसके लिए मैंने यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लिखा, यूनिट वेक्टर की जगह पे ये चीज आ गई है। क्लियर है सबको? Yes. Yes, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने मान लिया इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो आर वन माइनस आर टू का मैग्नीट्यूड वो आर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया, तो आर स्क्वायर जो है उसकी जगह मैंने उसको डिफरेंस की फॉर्म में ही लिख लिया, तो हमारे पास इस तरीके से ये पूरा कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ आपका क्वेश्चन हो सकता था, मैम कूलम्स लॉ में तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यहाँ तो आर क्यूब आ गया, राइट? ये तो गलत हो गया, लेकिन ऊपर भी तो एक आएगा ना, ठीक है, तो वो आर स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल है। आज के बाद किसी बच्चे का वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, सिंपल है, वो घुमा घुमा के बुक्स में दिया होता है, आपको सिंपली यूनिट वेक्टर लिखना होता है उसका, उनके बीच में जो डिफरेंस है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस, ये क्वेश्चन निकालो फिर सभी बच्चे। अभी आपने बताया कि एक और ऐसा फोर्स है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता सकते हो क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में? इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना, लेकिन जो आपके पास जी है वो एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, वो फिक्स है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं इसमें। सिमिलर कैसे हैं दोनों? इनवर्सली हैं। यस मैम। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई टू एफ जी फॉर टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। के का वैल्यू गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है, तो आंसर निकालिए बच्चों कैसे करेंगे, या मुझे इतना ही बता दो, आप सॉल्व तो बाद में भी कर सकते हो। कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को? एफ ई टू एफ जी सिंपल रेशियो आपको निकालना है, वही लिख लेते हैं जो निकालना है। एफ ई आपको पता है दो चार्जेस, दो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर है ये, मान लो डी, तो क्या हो जाएगा, मान लो जिस भी मीडियम में रखे हैं, हमें नहीं पता, के एयर में, एयर में रखे हैं, के इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय में उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर, ठीक है। और एफ जी के लिए क्या लिखूं, जी इंटू में मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू में मास ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या नहीं पता, आपको सारी चीज पता, देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, के आपको क्वेश्चन में गिवन है, जी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, मास कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो ये आप सारी चीजें पुट करोगे, सॉल्व करके देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसका जो लगभग आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 42 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स 10 टू द पावर 42 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ग्रेविटेशनल फोर्स के गुना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 42 टाइम्स ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा होता है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। ये हमेशा याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपके पास ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका एक कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ से आपको समझ में आ गया, थोड़ा आपको आइडिया भी हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगभग किस ऑर्डर का आता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना ऑर्डर से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर है सबको? यस मैम। आगे चलते हैं, ये कीजिए, चलिए, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स सच दैट व्हेन दीस टू पार्ट्स आर कैप्ट एट सम सेपरेशन, तो फोर्स जो है उनके बीच में वो मैक्सिमम कब होगा, मतलब उनको किस हिस्से में तोड़े, कि अगर हम उसको किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आए वो मैक्सिमम आए। आपके पास 1 से 2 मिनट है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। सॉल्व कर रहे हैं नहीं, यस और नो तो बोल दो भाई।
इसका मतलब रात को तुम लोग सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक मैम। है, नींद पूरी नहीं है तुम लोगों की। बारह बजे के बाद कौन कौन सोता है, मैं नाम बताओ नाम। बच्चे तस्लीमा। हैं, उठते कितने बजे हो फिर तुम लोग? मैम अब क्लास के लिए 7 बजे, 6:30, मतलब 6:40 के आसपास। ठीक है, तो आप अकेले नहीं है, मैं भी ऐसे ही टाइम पे सोती हूँ। मैं कल सोई हूँ लगभग 2 से 3 के बीच में, और मैं आज उठी हूँ 6:30-7 बजे कह रहा हूँ। सो ऐसे समझ लो आप मेहनत कर रहे हो, साथ में टीचर्स भी आपके मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सो नेवर फील डीमोटिवेटेड, आपको कभी भी कोई डाउट हो आप मुझे रात को भी इवन व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर मैं फ्री होंगी या कहीं और बिजी नहीं हूं तो मैं जरूर जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। ओके मैम। हाँ जी, कैसे होगा भाई क्वेश्चन? एक चार्ज मान लो क्यू, एक मान लो मैंने इसको तोड़ दिया अगर, तो ये हो गया आपके पास मान लो एक एक्स हो गया और एक क्यू माइनस एक्स हो गया, और मान लीजिए कोई सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर ये रखा हुआ है। अभी सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। मान लीजिए आर ही डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे आप? मैम फॉर्मूला लगा के वो एफ इज इक्वल टू K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R² करके। ठीक है, आ गया क्यू माइनस एक्स बाय में आर स्क्वायर आ गया मेरा। अब बताओ अब कैसे मैक्सिमम कैसे होगा ये फोर्स, तभी तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। देखो फोर्स, मान लीजिए फोर्स जो है ये डिपेंड किस पे कर रहा है? देखो क्यू तो फिक्स हो गया, के फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसका यस मैम। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो डीएफ बाय डीएक्स कर लो, जिसपे वो डिपेंड कर रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करो और इक्वल्स टू 0 पुट करो, वहां से आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके बताओ अब क्या आएगा आंसर। मैम जो के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर है, उसे हम DT/DX के फॉर्म में डिफरेंशिएशन करनी है। देखो इसको कैसे करोगे, अभी यहां देखो आप, तो ये हो जाएगा के, ऊपर आएगा के क्यू एक्स, राइट, और एक हो जाएगा आपके पास माइनस के एक्स स्क्वायर, इधर ले लो आर स्क्वायर, इधर ले लो आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपने, सॉरी, इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये आपके पास फोर्स हो गया ना, ये सारा, ये जो फोर्स है यही तो है ये वाला। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट टर्म का करो तो फर्स्ट टर्म, अरे मेरे पेन में कोई दिक्कत हो गई क्या, एक सेकेंड बेटा। हाँ फर्स्ट टर्म का क्या होगा बेटा? देखो जब भी आप बायो में हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हाथ नहीं बैठा हुआ, 11th भी लेट स्टार्ट हुआ, तो ध्यान से सुनो, कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, ये तो कांस्टेंट है हमारे लिए, फोर्स तो सिर्फ एक्स के साथ वेरी कर रहा है ना, क्यू फिक्स है, के फिक्स है, आर स्क्वायर है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 1, यस और नो? यस मैम। तो ये वन माइनस में के बाय आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है? पावर एक आगे आ गई, एक पावर ऊपर कम हो जाएगी ये, और ये इक्वल टू 0 है। अब जब ये इक्वल टू 0 हो गया तो देखोगे आप के क्यू बाय में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, के से के कैंसिल गया, आर से आर स्क्वायर भी गया, एक्स की वैल्यू कितना आ गया? क्यू बाय टू। क्यों यानी कि अगर उस चार्ज को आप आधे आधे में तोड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है उनके बीच में वो मैक्सिमम आएगा। तो कभी ये मैक्सिमम वाला अगर किसी क्वेश्चन में दिखे, वो फैक्टर किस क्या है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड करें, इक्वल्स टू 0 करो और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। क्लियर है सबको? यस मैम। चले आगे। यस मैम। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता दीजिए क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? पढ़ा है आपने 11th क्लास में? यस मैम, 12th में, फर्स्ट चैप्टर में। हाँ तो बताओ फिर क्या होता है, 11th में भी आया था ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आया था आपके पास वेव्स और जब आप ऑसिलेशंस पढ़ते हैं ना वहां पर, और आई थिंक आपके 12th में तो ऑप्टिक्स में सारे में ही है ये।
मैम जो वेक्टर फॉर्म्स होती हैं फोर्सेस की, वो डायरेक्टली ऐड हो सकती हैं किसी भी डायरेक्शन में. ओके एनीबडी एल्स? ठीक है. मैम सेम है ऐसे ही. ओके तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे जो है पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और लेट्स से ऐसे करते करते Qn तक आ गया. मैं इस चार्ज के ऊपर देखना चाह रही हूं कि नेट फोर्स क्या है. क्या है एफ नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज ऑन Q1? ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जैसे आप इसकी वजह से निकाल लो, Q1 की वजह से क्या होगा, यानी उसको मान लेते हैं हम लोग F1. Q2 की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? F2. F2 3 की वजह से F3, एंड सो ऑन अप टू Fn-1. यानी कि जो जितने भी n चार्जेस का सिस्टम है, तो किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पर अगर आपको नेट फोर्स निकालना है, दैट इज वेक्टर सम ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. ठीक है, ये वाला जो चार्ज है और इस चार्ज का जब आप फोर्स निकालेंगे Q1 के, Q1 Q2 बाय जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये जो फोर्स आएगा वो इम्पैक्ट में नहीं आता. मतलब बाकी के जो चार्जेस है वो इस फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करते. ठीक है, इसकी वजह से जो लगेगा वो लगेगा, सेकंड की वजह से लगेगा वो भी लगेगा, थ्री की वजह से लगेगा, अप टू n-1. सारे जो लगेंगे उनका वेक्टर सम जब आप कर देंगे, वो डायरेक्शन वगैरह सब उसमें कंसिडर हो जाएंगी, तो वो होता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अब जो आपके मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. एक तो होता है आपके पास फिगर बेस्ड हो गया, आपको किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालने को बोल देंगे. और जो ये दो टाइप के, और एक आपके पास आता है कि मान लो दो चार्जेस हैं, उनके बीच में थर्ड चार्ज मैं कहाँ रखूं या बाहर रखूं कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए. करा होगा ना ऐसा क्वेश्चन? करा है या नहीं? टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे यहाँ पे, एक पॉलीगन टाइप का और एक होता है इक्विलिब्रियम वाला. ठीक है, और यही दोनों टाइप बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. जब टॉपिक करोगे सेम टू सेम, जो फोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको अप्लाई करना है. अब जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी. सी के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है. ठीक है, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है, ए पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और एक बी पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और उनका जो वेक्टर सम है वो नेट फोर्स हो जाएगा सी के ऊपर. राइट? यस मैम. तो पहले बताओ, जो ए की वजह से ए की वजह से फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इसकी वजह से इसकी तरफ तो नहीं लग सकता, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इसको ले लेते यस हैं मैम. आप भी. ऐसे ही इसकी वजह से लगेगा इस तरफ, ये क्या हो जाएगा एफ बी. अभी मैं मैग्नीट्यूड में बात कर रही हूं, तो फोर्स ए की वजह से कितना होगा ये बताओ पहले. ए की वजह से फोर्स कितना आ रहा है? के Q1 Q1 Q2 R² मतलब AC का. तो के क्यू स्क्वायर मान लो ये डिस्टेंस, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है लेट्स से. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ठीक लिखा है. A² ठीक है, यही आपके पास फोर्स ड्यू टू बी हो जाएगा. यस और नो? डिस्टेंस तो सेम है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चार्जेस सेम है, साइन सेम है हमारे पास. इसको मान लेते हैं हम लोग एफ. अब हम इसको थोड़ा खोल लेते हैं, थोड़ा मैं अभी इसको आपको एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ, अगले क्वेश्चन में फिर आप फटाफट करेंगे. देखो अब ये वाला हो गया, इनके बीच में एंगल बताओ क्या लो. 60. ये एफ ले लो, ये एफ ले, ये 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया. ठीक है, यस मैम. अब रिजल्टेंट आप निकालोगे इन दोनों फोर्सेस का, हमको वेक्टर सम लेना है ना, तो वेक्टर सम ऐसे ही निकलेगा, इस फोर्स का और इस फोर्स का आप रिजल्टेंट लेना पड़ेगा. तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, एफ आर ले लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा अंडर अंडर रूट एफ रूट. ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर. तो मैंने वो दोनों को एफ ही मान लिया क्योंकि हमारे पास वैल्यू सेम आ रहा था, यस मैम. एम स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, टू एफ वन एफ टू, यानी उसको भी एफ स्क्वायर इंटू में cos 60. यस मैम. ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर इधर हो गया प्लस में ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर cos 60. कितना होता है, 1/2. यस मैम. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, कितना हो गया, ये √3 f² आपके पास कॉमन आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा f. समझ में आ गया यहां तक? तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स √3 f. ये कहाँ लग रहा है आपके पास,
इधर कहीं लग रहा होगा, अवे फ्रॉम सी। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। तो ये अब f की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके, तो आंसर आपके ऑप्शंस में दे रखे होंगे ऐसे रूट थ्री करके, रूट टू, रूट टू फाइव, रूट फाइव, रूट सिक्स ऐसे करके दे रखा होगा। और f की वैल्यू आप पुट कर सकते हो k q स्क्वायर बाय में a स्क्वायर, दिस इज नेट फोर्स ऑन c अवे फ्रॉम c। क्लियर है सबको? सिमरन, अलका, ओके ओके। सो आगे चले, ये है पॉलीगन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, हो सकता है साइन जो है चेंज हो जाए, जैसे आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐड किया था कि क्यू की जगह माइनस क्यू हो सकता है, फिर आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि कहाँ फोर्स लग रहा है, फिर उनका आपको रिजल्ट लेना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम तरीके से चलेगा, बस आपको थोड़ा चार्जेस का ध्यान रखना है। अभी आगे देखो, हाँ मैंने लिया हुआ क्वेश्चन, जैसे फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज एट ए, नेट फोर्स आपको निकालना है ऑन चार्ज एट ए, ए पे जो प्लेस्ड है। ठीक है, निकालिए, आपके पास 2 मिनट है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, ये जो डिस्टेंस है वो ए है, सॉल्व कीजिए बेटा, कर रहे हो या नहीं पहले तो ये बता दो। कर रहे, करो करो। अब ये माइनस क्यू है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये वर्टेक्स से ऊपर की तरफ लगेगा या वर्टेक्स से नीचे की तरफ लगेगा? मैम नीचे की तरफ, अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, एंगल आपको पता है ये 60 डिग्री। ठीक है, ये मान लो आपके पास क्या है, फोर्स ड्यू टू बी, ये फोर्स बी वाला, ये फोर्स कितना हो गया सी वाला। अब वही बात है, देख लो सेम आ रहे हैं, यानी एफ बी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, और एफ से कितने कितना आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम ही है, सेम आएगा आपके पास, जैसे पीछे आपके पास सॉल्व किया ना आपने, सेम ही तो वैल्यू है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कहीं ऐसे आएगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस में टू एफ स्क्वायर कोस 60, सेम बनेगा, कितना है रूट थ्री एफ बना था ना आपका, तो रूट थ्री एफ कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम। अगला क्वेश्चन करो, फाइंड एफ नेट एट सेंटर वेयर प्लस क्यू इज प्लेस्ड, आपको सेंटर पे निकालना और वहां मैंने एक चार्ज रख दिया इसको, इसके ऊपर प्लस क्यू। सॉल्व कीजिए सभी। मैम इस पे तो जीरो होगा ना, ड्यू टू सिमेट्री। यस, वेरी गुड। किसने जवाब दिया है? अंजलि। अंजलि, यस, बिल्कुल सही बात बेटा। अगर आपके पास प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है तो आपको पता है इसकी वजह, और ये भी मैंने प्लस क्यू लिया है तो ये इधर लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से इधर लग रहा है और ये इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर लगेगा। और दोनों का जो डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों की तरफ सेम है तो आपके पास चार्जेस भी सेम है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये इसको कैंसल कर देगा। सिमिलरली इसकी वजह से इधर लगेगा और इसकी वजह से इधर लगेगा तो ये भी इसको कैंसिल कर देगा, पर ये तब है जब आपके पास ये चार्जेस सेम है और सिमिट्री है। ठीक है, अभी सिमिट्री का मतलब क्या है कि डिस्टेंस हर चार्ज से सेम है, इसलिए आपके पास वो जीरो हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करो, अभी मैंने चार्ज चेंज कर दिया है या नीचे कर दिया मैंने माइनस क्यू, तो फाइंड एफ नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट सेंटर इन गिवन फिगर, निकालिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया इट मींस आपके पॉलीगन टाइप ऑफ क्वेश्चन तो डन है, आपको उसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी। सॉल्व कीजिए इसको। सुरभि बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ जी, अगर आपका अंजलि क्लास है, कहाँ क्लास है वैसे? मैम नीट टॉपर्स बैच में। अच्छा, दो फिजिक्स ही है। ठीक है,
आपका पॉलीगन टाइप तक डन है, उसके बाद एक प्रॉब्लम हो रहा है अंजलि, जो है आपके पास इक्विलिब्रियम वाली, कि आप दो चार्जेस अगर आपके पास हैं तो थर्ड चार्ज में कहाँ रखूँ कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताऊंगी, और लास्ट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, बाकी कोई डाउट ओके तो okay. मुझसे पूछ लेना। सो बताइए इसमें क्या आएगा आंसर, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फिर चले जाना। देखो सबसे पहले जो सबसे सिंपल चीज आपको दिख रही होगी, सिमेट्री तो है, मतलब सारा जो स्क्वायर है सब जगह रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होएगा सेंटर से वो सब में सेम है। तो अब यहाँ जो चार्ज है वो भी सेम है, तो इसकी वजह से जो इधर लगेगा और इसकी वजह से जो इधर लगेगा वो तो कैंसिल आउट हो गया। कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय में ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लो ये जो पॉइंट है ये ए है और ये ओ है, तो ए ओ डिस्टेंस बताओ कितना होगा। आपने पूछा भी नहीं मुझसे, ये डिस्टेंस जो है लेट्स से स्क्वायर साइड है ए, ठीक है, तो ये जो डायगोनल बनेगा, ये मान लो ए बी सी डी, तो ये जो डायगोनल बन रहा है उसका तो हमें आधा ही हिस्सा चाहिए, दो चार्जेस के बीच में अगर आप यस निकाल रहे हो तो डायगोनल कैसे निकालोगे। ए ओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट मैम, अंडर रूट 2a ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये अंडर बाय डिवाइडेड बाय 2 इसका आधा चाहिए, आधा कितना हो जाएगा, टू बाय टू ए, ठीक है, ये कितना आएगा 1/√2a। ठीक है, सबको क्लियर है, तो ये डिस्टेंस है। अब आपके पास के क्यू स्क्वायर बाय, नीचे हम डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय रूट टू का स्क्वायर, नीचे टू और वो टू चला जाएगा ऊपर, और आप यहां पर चेक करोगे तो सेम आंसर आएगा बेटा, 2k q² / a² एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है सबको, लेकिन जो बाकी के जो दो पॉइंट बचे हैं उनकी वजह से कैंसिल नहीं होगा। अब प्लस क्यू इस कैपिटल प्लस क्यू पे लगाएगा, वो इधर लगेगा, लगेगा या नहीं, यस मैम ठीक है, लेकिन माइनस क्यू की वजह से जो लगेगा वो भी इधर ही लगेगा, मैम, यानी इसमें हाँ, नेट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, तो जो बी की वजह से लगेगा वो तो सेम ही लगेगा आपके पास, जैसे ये है 2k q² / a² जो फोर्स ड्यू टू बी लग रहा है, एंड फोर्स ड्यू टू डी जो लगेगा वो क्या आएगा, के सॉरी क्यू स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ पे कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू है, तो यहाँ पे भी करेक्ट कर लेना, बट आंसर ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, के क्यू क्यू बाय में ये कितना आएगा आपके पास 2a², आंसर सेम है दोनों में, ठीक है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड होते ही आपके पास टोटल आंसर क्या बनेगा, बताइए। मैम, इसमें नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया जब हम डायरेक्शंस ले रहे हैं ना इसे वेक्टर की फॉर्म में, हमने ले लिया डायरेक्शन ऑलरेडी, तो आप चार्जेस में मत रखें, ओके ठीक है, मैम, मैम 4k³ इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, क्यूब चार्जेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस पे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखो किधर डायरेक्शन बन रहा है, लेकिन हाँ एनर्जी के फॉर्म में आपको चार्जेस का सिंबल देखना पड़ेगा कि प्लस है या माइनस है। देखो हमने यहाँ एक गड़बड़ करी है, ये तो ठीक है, ये वाला तो ठीक निकाला है हमने, जो यहां से यहां के बीच में हम निकाल रहे हैं एफ डी, ये ठीक है हमारे पास डिस्टेंस वो है, लेकिन जब आप इस सॉरी ये जो बी के ऊपर चार्ज रखा है इसकी वजह से डिस्टेंस क्या है, इसकी वजह से डिस्टेंस क्या है, ये पूरा डिस्टेंस आएगा ना, हम निकाल रहे हैं सेंटर पे, राइट, तो सेंटर पे चलो ये जीरो गया, जीरो गया, ये हो गया इधर, नहीं नहीं ठीक लिखा है, ठीक है बेटा ठीक है, अगर सेंटर की बजाय मैं यहां निकाल रही होती ना सभी पॉइंट की वजह से, तो वो डिस्टेंस फिर पूरा लेना पड़ता, राइट, यस और नो तो बोलो भाई,
यस ठीक है, वो अगर ये मैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि एक सेंटर पे प्लस क्यू है उसके ऊपर आपको निकालना है, तो वहां ठीक है, ये आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 4K Q कैपिटल Q बाय में A2। चलो वो क्वेश्चन भी मैं आपको दे देती हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपके पास, मतलब फिगर सेम है, होमवर्क है आपका, इधर प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू है, और आपको इस पॉइंट पर, यानी मान लो ये A B C और D, एट C आपको F नेट निकालना है, ठीक है, C के ऊपर, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप सॉल्व करके लाएंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे कल, ठीक ओके है, मैम, यस चलें आगे फिर। मैम, ओके ओके सो जिसको भी लीव करना है वो नेक्स्ट टॉपिक से रिकॉर्डिंग में देखना बेटा, 1 मिनट में जरा चार्जिंग। हाँ जी, अभी जो अपना इम्पोर्टेंट है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब हमको थर्ड चार्ज कहाँ पर प्लेस करना होगा ताकि जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो नेट जीरो आए, उस पर्टिकुलर पर वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर हमको रखना है कि हमारे पास नेट फोर्स जीरो आए। तो देखो हम तीन जगह रख सकते हैं, या तो हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, या तो हम इस तरफ रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, या इधर राइट हैंड साइड में रख सकते हैं। मान लीजिए सेंटर में हमने कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, यहां ले लिया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, थर्ड चार्ज मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर कैपिटल क्यू मान लिया लेट्स से, ठीक है, तो इस क्यू के ऊपर चार्ज किधर, सॉरी फोर्स किधर लगेगा, प्लस क्यू इधर राइट, और इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर, तो यानी कि सेंटर में पॉसिबल है, यहां पर क्यों पॉसिबल नहीं है और यहां पर क्यों नहीं है वो देखना है हमको। देखो यहां पर, देखो अगर मैं प्लस क्यू रख दूं या प्लस कैपिटल क्यू जो भी आपको लेना है, तो वो उसको रिपेल करेगा, तो इधर लगेगा इस फोर्स, इस पर्टिकुलर चार्ज को ये फोर्स रिपेल करेगा तो उस तरफ लगेगा, और ये वाला भी तो रिपेल करेगा वो भी इधर लगेगा, तो क्या ये नेट फोर्स जीरो हो सकता है? जीरो कब होएगा, जब वो इक्वल जो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में जब आएंगे, ये तो एडअप हो जाएगा, मान लो ये F1 है, ये F2 है, तो ये नेट जो है वो जीरो नहीं हो सकता, हमको इक्विलिब्रियम में रखना है चार्ज को। सेम सिचुएशन यहाँ है कि आपके पास ये भी इधर लग रहा है और इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा वो भी इधर लग रहा है, तो यहाँ पर अगर आप किसी पॉइंट पर थर्ड चार्ज रख रहे हो तो वहां पर नेट जो F नेट है वो जीरो नहीं हो सकता। ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम, तो सिंपल सी बात है, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो थर्ड चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, इन सेंटर बिटवीन द पर, यस चार्जेस, मैम, बीच बीच में में। रखना पड़ेगा। अब बीच में भी कहाँ रखना पड़ेगा वो आप चार्जेस देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि आपको टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज रखना होगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 / R2, यही होता है ना, तो अगर आपके पास चार्ज छोटा है तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और बड़ा चार्ज है तो उसकी वजह से थोड़ा फोर्स घटाना पड़ेगा, और घटेगा कब, जब वो उससे दूर होगा, जब ये डिस्टेंस आप इंक्रीज कर दोगे, राइट, और बढ़ेगा कब, जब वो छोटे वाले चार्ज के पास ले आए, डिस्टेंस आपने क्या कर दिया जो है वो कम कर दिया, कम कर दिया तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो वो टूवर्ड्स दी स्मॉलर चार्ज होगा, ठीक है। हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से, तीन चार स्टेटमेंट दे, किधर होगा, प्लस 4Q की तरफ होगा, प्लस क्यू की तरफ होगा, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब मान लो हमको निकालना है, तो हम कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं, मान लो कि यही चार्ज है आपके पास, प्लस क्यू ही है, ठीक है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ये डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, एक्स, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना आप, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स, ये टोटल डिस्टेंस लेट्स से कैपिटल एल है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये एल माइनस में एक्स, तो जो फर्स्ट, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकेंड, तो फोर्स जो इस पर कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर होगा फर्स्ट की वजह से, वो कितना होगा, K Q कैपिटल Q / X2, यस और नो, ये ठीक यस है। मैम, ऐसे ही आप F2 निकाल लो, F2 किधर होएगा आपके पास, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा वैसे, तो K Q
फोर क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाय में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ये चीज? यस मैम। ठीक है, अब ये पॉइंट जहां हमने रखा है ना वो एक्स डिस्टेंस, हम वो मान रहे हैं कि यहाँ इक्विलिब्रियम में है, अब वो हिल नहीं रहा, यानी उस पे जो इधर फोर्स लगेगा और जो इधर फोर्स लगेगा वो इक्वल है, तभी तो आपके पास नेट फोर्स जीरो है और वो वहीं का वहीं रहेगा चार्ज, अदरवाइज वो मूव करने लग जाएगा। तो यानी कि एफ वन इक्वल्स टू एफ टू कर दो अब आप, तो के क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू के फोर क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाय में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो के से के कैंसिल, क्यू से ये भी कैंसिल, क्या बचा आपके पास फोर, इसको ऐसे लिख लेते हैं एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू फोर। ठीक है, मैंने सारा स्क्वायर का इकट्ठा कर लिया क्योंकि फिर मैं स्क्वायर रूट ले सकती हूँ, मेरा स्क्वायर वाला टर्म ही चला जाएगा तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। एल माइनस एक्स बाय में एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू, राइट? ये होगा ना, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो जब अंडर रूट फोर का मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ तो प्लस माइनस टू दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैं एक बार प्लस टू रख के देख लूंगी, एक बार माइनस टू रख के देख लूंगी, आप बताओ मुझे एक्स की दो वैल्यूज, एक बार प्लस टू करके एक बार माइनस टू करके, फटाफट एक बार प्लस टू रखिए एक बार माइनस टू रखिए और मुझे बताइए कि क्या वैल्यू आएगी। सॉल्व कर रहे हो? यस मैम। कीजिए, इतनी देर नहीं लगना चाहिए ना। एल माइनस एक्स बाय एक्स लेट से टू रख दिया, तो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो एल इक्वल्स टू थ्री एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा बेटा, एल बाय थ्री, राइट? यस मैम। अगर मैं माइनस टू पुट करूं तो एल माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, अगर पुट किया तो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, तो एल हो जाएगा आपके पास माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो यानी माइनस एक्स, यानी एक्स इक्वल्स टू माइनस एल। ये तो पॉसिबल ही केस नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, सवाल ये है, x की वैल्यू माइनस एल होगी, हम x का डिस्टेंस ले रहे हैं यहां से इस तरफ, x की वैल्यू माइनस एल होने का मतलब क्या है कि वो इस डायरेक्शन में आ गया, लेकिन हमको चार्ज तो उनके बीच में रखना पड़ेगा ना, ठीक है, बीच में रखना पड़ेगा। अगर x की माइनस एल आ गया तो वो उससे बाहर चला गया तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं रहेगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एल बाय थ्री। क्लियर है सबको अभी? तो आपको जो दो दो आपके केसेस है ना उनमें एक केस ठीक मिलेगा एक गलत मिलेगा। अब वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि मान लो चार्ज आपका बीच में है, तो ऐसा वैल्यू तो नहीं है कि उसकी वजह से आपके पास बाहर जा रहा है वो चार्ज, ठीक है? जब आपके पास दोनों चार्जेस सेम है, प्लस प्लस है माइनस माइनस है, केस जब प्लस माइनस का आएगा तो आपके पास जो पॉइंट आप लोगे जहां क्यू रखोगे वो बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है? तो यहां पर एक शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ, अभी इतना सॉल्व करने की बजाय कॉम्पिटिशन में इतना टाइम नहीं होता ना, तो जो x है आपके पास वो क्या होगा, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास x इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू वन बाय में अंडर रूट क्यू टू प्लस में अंडर रूट क्यू वन इंटू में n, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ये x निकल जाएगा, ठीक है? क्यू वन क्या है, ये स्मॉलर चार्ज है, स्मॉलर चार्ज, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू फोर क्यू में स्मॉल कौन सा है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पे अंडर रूट क्यू, क्यू टू क्या अपना फोर क्यू, अंडर रूट फोर क्यू प्लस में अंडर रूट क्यू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट क्यू सारा कैंसिल हो गया,
ठीक है, नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट फोर प्लस वन, अंडर रूट फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, टू प्लस वन, यानी एल बाय थ्री इज द आंसर। सेम आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक्स ये देखिए कहां से ले रहे हो, छोटे से डिस्टेंस आपने देखा कितना है, क्यू वन आपका स्मॉलर वाला चार्ज आएगा, तो एक्स इक्वल्स टू है अंडर रूट क्यू वन बाय में अंडर रूट क्यू टू प्लस में अंडर रूट क्यू वन इन टू में एल, जो उनके बीच में टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, चले आगे, यू कैन नोट दिस डाउन। और अभी यही वाला जो केस है ये तब है जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव या दोनों चार्जेस नेगेटिव हो। अभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको भी बता दूंगी। ठीक है, यस मैम। ओके, चलिए आगे आपको इसी का जो सेकंड पार्ट है वो बताते हैं। जैसे कि मान लो चार्ज अगर मेरे पास एक प्लस क्यू है और एक माइनस नाइन क्यू है, लेट्स से, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो आप कितना है आर ले लो। अब मैं थर्ड चार्ज कहाँ रखूं, थर्ड चार्ज मैं ले लेती हूँ प्लस क्यू, थर्ड चार्ज में आप माइनस क्यू भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जनरल सेंस में पॉजिटिव लेके करते हैं क्योंकि ज्यादातर आदत ही ऐसे होगी है काम करने की। तो प्लस क्यू से आपका आंसर आए और माइनस क्यू से भी सेम आंसर आए, हाँ माइनस क्यू ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा। तो प्लस क्यू मैं कहाँ रखूं, जैसे अगर मैं यहाँ रखती हूँ प्लस क्यू को, तो आपको पता है इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा और इसकी वजह से किधर फोर्स लगेगा बेटा, इस तरफ ही लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स माइनस नाइन क्यू, अगर दूसरी तरफ लगाए तो इसका मतलब माइनस नाइन क्यू उसको रिपेल कर रहा है तो उधर लग ही नहीं सकता। एक पॉइंट हो गया ये पॉसिबल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हो सकता है कि दोनों कैंसिल आउट कर दें और नेट फोर्स इस पे जीरो आ जाए। यहां पर भी रख सकते हैं प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा और माइनस नाइन क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर भी कहीं रख सकते हैं प्लस क्यू इसको क्या करेगा रिपेल और माइनस नाइन क्यू अट्रैक्ट, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इन दोनों का सम जीरो नहीं हो सकता। यस मैम। तो यानी आपको बाहर रखना पड़ेगा, बाहर भी किधर रखना पड़ेगा, अब उसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए के क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ रख रहे हो बेटा, यहाँ पे चार्ज भी बड़ा है और डिस्टेंस भी कम है तो ये तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जो इसकी वजह से लगेगा और इसकी वजह से बहुत कम लगेगा तो नेट नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं इस इधर रख दूं, यहाँ पर क्या कर, ये चार्ज छोटा है तो इसके पास रख दिया, यानी इसके पास रख दिया मतलब डिस्टेंस कम कर दिया, इसका फोर्स बढ़ जाएगा, और ये बड़ा चार्ज था उसको दूर रख दिया, उसका डिस्टेंस हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया, वो फोर्स थोड़ा घट जाएगा। तो छोटे चार्ज की तरफ आपको थर्ड चार्ज रखना पड़ेगा, ये बात सबको क्लियर है? एक बार और बता दीजिए। हाँ, दोबारा देख लीजिए आपका फॉर्मूला क्या है, देखो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, माइनस नाइन क्यू वाला जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स लगेगा के इंटू में नाइन क्यू इंटू में उधर वाला क्यू बाय में जो डिस्टेंस आपके पास टोटल होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस क्यू है ना, सॉरी ये आपके पास इस पे इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो ना, इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, एक तो कैपिटल क्यू एक नाइन क्यू, नाइन को भी मैं क्यू कर रही हूँ, नाइन क्यू बाय में इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है लेट्स से एक्स स्क्वायर, और एक फोर्स लगेगा एक स्मॉल क्यू की वजह से, यानी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और जो इनके बीच में डिस्टेंस है आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी ये देखो यहां पर चार्ज भी बड़ा है और डिस्टेंस भी छोटा है, ये वाला डिस्टेंस भी छोटा है इसके कंपैरिजन में, चार्ज भी बड़ा है तो ये फोर्स बहुत बड़ा हो गया मैम, और यहाँ पर चार्ज भी छोटा है और डिस्टेंस भी आपने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गया, तो ये नेट जीरो नहीं हो सकता ना। Yes, ma'am. लेकिन ये पॉसिबल है कि यहाँ पर आपके पास छोटे वाले चार्ज में आपने डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया तो थोड़ा फोर्स बढ़ जाएगा, और बड़े वाले चार्ज का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो थोड़ा फोर्स घट जाएगा, ठीक है, तो फिर वो कहीं बैलेंस हो सकता है। आगे बात समझ में? यस मैम। जैसे आपने पीछे वाला किया था वैसे ही आपको करना है, डिस्टेंस मान लो ये एक्स है, छोटे वाले चार्ज से हमने डिस्टेंस मान लिया एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो लगेगा इधर इस छोटे चार्ज की वजह से क्या लगेगा, कैपिटल क्यू क्यू के बाय डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या लगेगा नाइन क्यू कैपिटल क्यू बाय में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस आर है और ये मैंने आर एक्स मान लिया तो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यस मैम।
अब यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में यानी दोनों फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए तभी आपके पास कैंसल आउट होगा, इनको आप सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कि कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब शॉर्टकट फॉर्मूला देख लो, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो एक्स जो आप निकालोगे वो आएगा अंडर रूट क्यू वन बाय में अंडर रूट क्यू टू माइनस में अंडर रूट क्यू वन, वेयर क्यू वन इज स्मॉलर। ठीक है, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। अब आप इसमें पुट करके देख लो, जैसे क्यू यहाँ पे आएगा क्यू वन कितना है अपने पास अंडर रूट क्यू बाय में अंडर रूट क्यू टू कितना आएगा अंडर रूट नाइन क्यू माइनस में अंडर रूट क्यू, तो अंडर रूट क्यू तो सारा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा वन नीचे बचेगा अंडर रूट नाइन माइनस में वन, तो ये हो जाएगा वन बाय में अंडर रूट नाइन कितना हो जाएगा थ्री माइनस में वन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा वन बाय टू, यानी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू ऑफ किसका, ये बात याद रखें, टोटल डिस्टेंस जो उनके बीच में है वन बाय टू ऑफ एन। क्लियर है सबको? यस मैम। तो आप डायरेक्ट आप इसको अगर चेक करना चाहते हो तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके देखना, एक्स की यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके। सो ये था आपके पास सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की थर्ड चार्ज आपको रखना कहा है, और इसके जो कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स है ना कि कहाँ रख सकते हैं कहाँ नहीं रख सकते, सारा हमने सीख लिया, तो इस क्वेश्चन में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। अब आता है आपके पास छोटा सा टॉपिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब परमिटिविटी क्या है ई, ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी ई आर। इस रिलेटिव परमिटिविटी का ही एक नाम और होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी की जरूरत क्या पड़ी जब हमको परमिटिविटी मिल गया था, अब परमिटिविटी होता क्या है, और वैक्यूम के केस में हम लिखते हैं ई नॉट, और किसी भी मीडियम के केस में हम ऐसे ई मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, वो था के क्यू वन क्यू टू बाय जो भी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, इस के को हम थोड़ा ओपन कर सकते हैं वन बाय फोर पाई एप्साइलन, इसको एप्साइलन बोलते हैं, तो क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। और वैक्यूम की बात करें तो यहाँ ई नॉट आ जाता है, ई नॉट की वैल्यू कितना होता है 8.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, यूनिट क्या हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहां से आप चेक कर सकते हो यूनिट। ये वैक्यूम का केस है। तो आपके पास परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी जो मीडियम का आपके पास परमिटिविटी होता है वो लेस होता है वैक्यूम से, नहीं नहीं सॉरी ज्यादा होता है, जो सबसे कम परमिटिविटी है वो वैक्यूम की होती है। ठीक है, तो बाकी कोई भी आप मीडियम ले रहे हो उससे ज्यादा है। तो अब अगर हम देखें कि मीडियम का कितना गुना ज्यादा है कितना गुना कम है, वो जो चीज है कितना गुना आपके पास वैक्यूम की परमिटिविटी का है, वो ई आर, वो जो गुना आप देख रहे हो वो क्या है आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया थोड़ा, नहीं आया तो बताओ। आ गया आ गया। हमेशा याद रखिए ई नॉट मिनिमम है, ठीक है, और मीडियम का ज्यादा है तो कितना गुना ज्यादा है, वो जो गुना है वो ही रिलेटिव परमिटिविटी है। और याद रखिए परमिटिविटी ऐसा नहीं है कि भाई अब हम बोल रहे हैं कि परमिटिविटी अगर मान लो नीचे आपके पास परमिटिविटी बढ़ जाती है ना तो फोर्स घट जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, तो यहां से एक फोर्स के अंदर भी रिलेशनशिप निकलता है, फोर्स का कैसे निकलेगा कि फोर्स इन एनी मीडियम दिस इज इक्वल टू एफ नॉट बाय में ई आर, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि अगर मैंने मेरी परमिटिविटी जो मीडियम की है वो दो गुना हो गई, अगर दो गुना हो गई तो फोर्स वन बाय टू हो जाएगा ना, तो कितना गुना कम हुआ फोर्स, तो ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है। क्लियर है सबको? यस मैम। उसका मतलब क्या है वो समझ लो, परमिटिविटी का मतलब हो गया आपके पास, अभी अभी आप क्वेश्चन ही हो सकता था मैम परमिटिविटी मतलब तो हो गया परमिट कर रहा है, मतलब उनके बीच में फोर्स बढ़ना चाहिए था, बट परमिटिविटी आपके पास बढ़ रही है तो फोर्स घट रहा है, इसका मतलब क्या है, परमिटिविटी का मतलब है कि एक कोई भी मीडियम है ना वो अपना फील
मान लीजिए ये दो चार्जेस है, एक ये प्लस क्यू वन हो गया, एक प्लस क्यू टू हो गया, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, एक माइनस क्यू ले लो, चलो अट्रैक्टिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो परमिटिविटी का क्या रोल आ गया कि ये जो मीडियम जिसमें रखा है ना वो अपना फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि ये जो इनके बीच का फील्ड है उसको ब्रेक कर रहा है, यानी इनके बीच के फोर्स को कम कर रहा है, समझ में आया? तो उसका नाम ऐसा है बट वो काम उल्टा करता है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये वाला भी और एक ये वाला भी, तो एक क्वेश्चन कर लो इस पे, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी, आपके पास दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, उनके बीच में फोर्स एफ है, डिस्टेंस डी है, अगर मैं किसी मीडियम यानी कि ऑयल में रख दूं तो फोर्स एफ बाई टू हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया डी बाई टू, निकालिए कैसे निकालोगे? फोर्स वाला फॉर्मूला देख लो, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एफ नॉट बाय में कितना था रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता है कितना होता है, ई एम बाय में ई नॉट, वैक्यूम के केस में हम ई नॉट लेते हैं, मीडियम के केस में हम ई एम लेते हैं, ई बोल रही हूं मैं, एप्सिलॉन होता है वैसे तो, तो फोर्स इस पर्टिकुलर केस में कितना हो जाएगा, इसको मैं एफ नॉट लिख लू क्योंकि ये वैक्यूम में, दिस इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय में डी स्क्वायर, के की जगह वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू वन क्यू टू, ठीक है, करेक्ट है ये? यस मैम। ये वाला जो केस है ये आपके पास क्या हो जाएगा, जब हम उसको किसी मीडियम में रख रहे हैं तो उसका फोर्स एफ एम हो गया, दिस इज इक्वल टू जो इन्होंने दे रखा है एफ बाय टू, ये हो जाएगा आपके पास के, यानी इसको खोल ही लेते हैं यहीं पे, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और ये हो गया डी स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया क्यू वन क्यू टू डी बाय टू का होल स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर बाय फोर, ये हो गया। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आएगा, यहाँ पुट कर लो, देखो फॉर्मूले में मीडियम वाले में मीडियम का पुट कर लो, ठीक है, और एफ नोट पे एफ नोट कर दो, देखो एफ 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 एम इसको ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे एफ एम बाय में एफ नॉट इक्वल्स टू वन बाय ई आर, ये ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी आपको निकालनी है तो ई आर कितना हो जाएगा एफ नॉट बाय एफ एम, एफ नॉट कितना है आपके पास, एफ नॉट कितना है आपके पास क्यू वन क्यू टू बाय में फोर पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर, और एफ एम कितना है आपके पास क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी स्क्वायर बाय फोर, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा यार, मीडियम का आएगा, ई एम इंटू डी स्क्वायर बाय फोर, तो ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया ये आपके पास, ऊपर आ रहा है आपके पास ई एम, नीचे आ रहा है आपके पास ई नॉट, और ये आ जाएगा फोर इधर, ठीक है, और यही आपके पास क्या है रिलेटिव परमिटिविटी होती है। कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो बेटा क्या इसमें कुछ मिस्टेक है, इन दोनों को आप डिवाइड करो, देखो ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले तक हम आ जाएंगे, आपकी जो इक्वेशन बन गई है ना इसको डिवाइड कर लो, आपको पता है ये आएगा एफ, ये आएगा एफ बाय में, ये आएगा आपके पास एफ बाय में टू, और ये जो बन रहा है आपके पास दिस इज इक्वल टू, ये जो हमने कैंसिल आउट करके बनाया ये बन रहा था आपके पास कितना, नीचे आ रहा है आपके पास ई नॉट, और ये ऊपर चला जाएगा ई एम, ठीक है, और फोर किधर आ रहा था, फोर आ रहा था इसके साथ, फोर ई एम आ रहा था, यही आना ना, एफ से एफ कैंसिल हो गया, ये बचेगा टू, टू इज इक्वल टू फोर ऑफ ई एम बाय ई आर, ई एम बाय ई आर, ई एम बाय ई आर, सॉरी ई नॉट,
em by e naught, ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी हो गया ई आर. तो ई आर हो गया 2, ई आर 8 आना चाहिए बेटा आंसर. चेक चेक करो जरा एक बार, ई आर 8 आना चाहिए आपका. मैंने चेक करती हूँ मेरा कहाँ मिस्टेक हो गया. Q1 Q2 D square तो ठीक है, ये भी 4 भी ठीक है. F0 by Fm, F0 by Fm Fm upon में F0 is equals to 1 upon ER है ना. हाँ वो कुछ reciprocal करने में दिक्कत करी है. देखो F नॉट F के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू किसके है, के क्यू वन क्यू टू बाय माय डी स्क्वायर. यस मैम. आपके पास क्या है, F बाय टू, दिस इज इक्वल टू सॉरी इसको खोल लो, 1 बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट, ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्साइलन मीडियम का आ गया आपके पास, ये डी स्क्वायर हो गया और डी स्क्वायर बाय 4 और ये क्यू वन हो गया, ये क्यू टू हो गया. एफ नॉट बाय एफ एम कितना आ रहा है आपके पास, 1 अपॉन में एफ आर सॉरी ई आर, ये हो जाएगा आपके पास नीचे ई नॉट ऊपर ई एम और ये आ जाएगा 4. इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो ये 4, हाँ नीचे आएगा ना 4, वहां हमने ये गड़बड़ कर दिया, ये 4 हमने ऊपर ऊपर लिख दिया, यही था ना. तो ई एम बाय में ई नॉट इक्वल्स टू ई आर हो जाएगा, तो ई एम बाय ई नॉट इज ई आर. ये हो जाएगा आपके पास एफ नॉट बाय एफ एम, दिस इज इक्वल टू ई आर बाय में 4. और एफ नॉट बाय एफ एम क्या है, ये आपको पता है एफ की वैल्यू गिवन है ना, एफ नॉट और एफ एम की, वो एफ बाय में एफ बाय 2, दिस इज इक्वल टू ई आर बाय में 4. तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, 2 इज इक्वल टू ई आर बाय 4. तो ई आर कितना हो गया बेटा, 8. So, आपको सिंपली क्या करना है, आगे से कंफ्यूज नहीं होना जैसे मैं हुई अभी. तो एफ नॉट आपको निकालना है पहले, फिर एफ एम निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है. फिर जो भी आंसर बन रहा है वहां पर आपके पास रिलेटिव परमिटिव वाला सिंबल आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या आपके पास ई मीडियम बाय में ई नॉट, ठीक है. तो आपको निकालना है रिलेटिव परमिटिविटी, फिर एफ नॉट और एफ एम की जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर लो, फिर कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है. ओके मैम. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कीजिएगा, जो नेक्स्ट पार्ट है ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, बहुत आसान है. अभी आपका टाइम हो गया नहीं, मैं अभी कराती हूँ आपको. और जो फोर्स वाले जो दो क्वेश्चन करे ना हमने, दो टाइप से, एक पॉलीगन वाला और एक जो थर्ड चार्ज हम कहाँ रखे. यस मैम. बिल्कुल सेम क्वेश्चन होते हैं, बस वहां पर फोर्स की जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है. तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. और आगे हम लोग आगे के जो 3-4 मेजर टॉपिक्स हैं वो करेंगे, जैसे गॉस लॉ आ गया, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके मैम. इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगी? रिकॉर्डिंग बेटा मैं आपको बता दूंगी कब और कैसे अवेलेबल होगी. मैम आपके पास क्लास का मतलब वो सीयूईटी की क्लासेस का टाइम टेबल होगा? सीयूईटी की क्लासेस का टाइम टेबल मैं आपको ग्रुप्स में शेयर करा दूंगी, ठीक है. यस मैम, क्योंकि अभी कोई टाइम टेबल नहीं आया, ऐसी क्लासेस हो जाती है. अच्छा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, जैसे आज आपकी फिजिक्स की है ना अभी. यस मैम. तो एक सेकेंड, हाँ अभी जैसे फिजिक्स की है आज मंडे को आपकी, और फिर आपके पास 11:30 बजे आपकी केमिस्ट्री की है, राइट. यस मैम. फिर ट्यूजडे को आपकी बायो की है 10 बजे, और फिर फिजिक्स की आपकी होगी ट्यूसडे को 11:30 बजे. कल का मतलब शेड्यूल ये है, कल बायो की क्लास होगी आपकी 10 बजे और 11:30 बजे आपकी है फिजिक्स की क्लास, ठीक है. ओके मैम. एक दिन में 2 क्लासेस होंगी? हाँ जी, कल आपकी 2 क्लासेस है बेटा. ओके. हाँ, मतलब रेगुलर ही 2 क्लासेस होंगी. ओके मैम. अब मुझे बताओ आपको समझ में आया नहीं आया, या इसमें कुछ चेंज करना है, आपको थ्योरी ठीक लग रहा है, या न्यूमेरिकल्स और ऐड करना है, क्या करना है बताओ, यानी फीडबैक. हम समझ में आ रहा है, नहीं करें तो चलेगा? यस मैम. बाकी मैं कोशिश करूंगी जैसे आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लगेंगे उसमें एक दो क्वेश्चन हम और कर पाए. तो थोड़ा 1 घंटा 15 मिनट का टाइम कम होता है, ठीक है. तो आप अपनी तरफ से थ्योरी थोड़ा पढ़ के आए,
आगे वाले जो भी टॉपिक्स हैं, आपकी जो बुक्स है ना रेफरेंस बुक्स, उसी सीक्वेंस में करेंगे हम लोग, ताकि आप लोग भी साथ के साथ प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, थोड़ा अपनी तरफ से थ्योरी पढ़े ताकि हम थ्योरी को कट शॉर्ट करके थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। बाकी मैं क्वेश्चन आपके हर टॉपिक का थोड़ा जरूर जरूर रिवाइज कराऊंगी, इसमें ये चीजें हैं, ये मेजर फॉर्मूला है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके मैम, ओके।